डेटा कम्युनिकेशन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा लिंक लेयर, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ एरर। डेटा लिंक लेयर, अपन को मालूम है OSI मॉडल में सेकंड लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, डेटा लिंक लेयर होती है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती है सब, और सेकंड नंबर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेयर होती है और उसकी फंक्शनैलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, अंडरलाइंग हार्डवेयर के डिटेल्स को छुपाती है और ख़ुद को रिप्रेजेंट करती है अपर लेयर को एज द मीडियम टू कम्युनिकेट के मीडियम की तरह रिप्रेजेंट करती है। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, कन्वर्टिंग डेटा स्ट्रीम टू सिग्नल बिट बाय बिट एंड टू सेंड दैट ओवर द अंडरलाइंग हार्डवेयर। रिसीविंग एंड पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पिक्स अप डेटा फ्रॉम हार्डवेयर से डेटा को लेता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म्स में होता है, उसे असेंबल करता है उसे रिकग्नाइजेबल फ्रेम फॉर्मेट में और उसको फिर इससे ऊपर की लेयर को, नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में बेसिकली दो सब लेयर्स होती हैं, एक तो होती है LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर। ये किससे डील करती है, प्रोटोकॉल्स, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, इन सब से कौन डील करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। और दूसरी होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, जो कि इससे डील करती है एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मीडिया, मीडिया को किस तरह शेयरिंग करनी है उससे वो डील करती है। डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, डेटा लिंक जो बहुत सारे कार्य करती है ऑन बिहाफ ऑफ अपर लेयर। पहला होता है फ्रेमिंग, डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट किससे आएंगे, इससे ऊपर की लेयर कौन सी होती है, आपकी नेटवर्क लेयर से, और उसे इनकैप्सुलेट करके क्या बनाती है, ये फ्रेम बनाती है। फिर वो हर फ्रेम को बिट बाय बिट भेजती है हार्डवेयर पे, रिसीवर के एंड पे। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, सिग्नल्स लेती है हार्डवेयर से और उसे पुनः किसमें असेंबल कर देती है, फ्रेम्स में। दूसरा काम होता है एड्रेसिंग, डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स लेयर टू हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। हार्डवेयर एड्रेस इज अज्यूम टू बी यूनिक ऑन द लिंक, हार्डवेयर एड्रेस जिसको कि जैसे अपने लैन एड्रेस भी बोला जाता है, इट इज़ इनकोडेड इन टू हार्डवेयर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो हार्डवेयर एड्रेस होते हैं उसको बंट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तीसरा काम होता है इसका सिंक्रोनाइजेशन, जब भी डेटा फ्रेम्स को लिंक पे भेजा जाएगा दोनों मशीन्स जो होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए ताकि उनके बीच में ट्रांसफ़र हो सके, डेटा का ट्रांसफ़र हो सके। चौथा काम होता है आपका एरर कंट्रोल, क्या होता है सिग्नल्स कभी ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है, एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है, एरर्स सिग्नल्स में इंट्रोड्यूस हो जाती है, इन एरर्स को डिटेक्ट करना और उनको करेक्ट करना, डेटा बिट्स में जो एरर्स हुई उनको करेक्ट करना। ठीक है, ये कार्य भी कौन करती है, आपकी डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कार्य होते हैं, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, जो स्टेशंस होते हैं या सेम लिंक हो सकती है उनकी अलग अलग डिफरेंट स्पीड और कैपेसिटी हो सकती है, हो सकता है सेंडर की स्पीड फास्ट हो, रिसीवर की स्पीड स्लो हो, तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है फ्लो कंट्रोल को। ठीक है, ताकि दोनों मशीन जो है सेम स्पीड पे डेटा को एक्सचेंज कर सके। इसके अलावा और फंक्शन होता है मल्टी एक्सेस। ठीक है, जब होस्ट है कोई शेयर्ड लिंक पे वो डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है, तो कई सारे होस्ट हो सकता है एट ए टाइम डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोलिजन की क्या होती है, काफ़ी हाई हो जाती है। तो डेटा लिंक लेयर मैकेनिज्म यूज़ करता है जैसे CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन इत्यादि को यूज़ करके उनकी कोलिजन्स वगैरह को क्या करता है, अवॉइड करता है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है डेटा के अमाउंट को जो कि भेजा जाएगा बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, वो ये सेंडर को ये बताते हैं कि कितने डेटा को वे ट्रांसमिट कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बिना, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बिना वो कितने अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
कोई भी रिसीविंग डिवाइस उसकी क्या होती है, लिमिटेड स्पीड होती है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके बाद डेटा आता है रिसीविंग डिवाइस के पास, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, उसकी एक लिमिटेड स्पीड होती है, ठीक है, और उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जिसमें कि वो इनकमिंग डेटा उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है। जो रिसीविंग डिवाइस है उसको कैपेबल होना चाहिए कि वो इन्फॉर्म करे सेंडिंग डिवाइस पे कि वो लिमिट नहीं पहुंच पाए। उस लिमिट को पहुंचने से पूर्व ही उसको सेंडिंग डिवाइस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ट्रांसमिटिंग डिवाइस जो है फ्रेम्स को थोड़ा धीरे भेजे, ठीक है, या स्टॉप कर दे अस्थायी रूप से, ठीक है। इनकमिंग डेटा जो है उसको चेक किया जाता है पहले, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसे काम में लिया जाता है, ठीक है। जो प्रोसेसिंग की रेट होती है वो क्या होती है, नॉर्मली स्लो होती है ट्रांसमिशन की रेट से, ठीक है। तो हर रिसीविंग डिवाइस के पास क्या होता है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं, वो रिजर्व करके रखती है इनकमिंग डेटा को, ठीक है, जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर बफर पूरा भर गया, ठीक है, अगर मतलब बफर भरना चालू हो गया तो रिसीवर के कैपेबल होना चाहिए सेंडर को ये बताने के लिए कि हॉल्ट ट्रांसमिशन, जब तक ट्रांसमिशन को रोक दो जब तक कि वो और डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एरर कंट्रोल, ठीक है। एरर कंट्रोल मीन्स बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है कि रिसीवर सेंडर को इन्फॉर्म करता है कि कोई फ्रेम्स लॉस्ट हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं ट्रांसमिशन के दौरान, तो क्या किया जाता है, उन फ्रेम्स का क्या किया जाता है, रिट्रांसमिशन किया जाता है सेंडर द्वारा, ठीक है। कभी भी डेटेनिंग लेयर में कोई एरर डिटेक्ट होती है तो क्या है, स्पेसिफिक जो फ्रेम्स हैं उनको वापस क्या किया जाता है, रिट्रांसमिट किया जाता है। इसको क्या बोल, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, हमको मालूम है कि एरर्स होती है डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान, डेटा के प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। कई कारण हैं एरर होने के, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफ्रेंसेस हो नियर बाई सर्किट्स के कारण, एटीन्यूएशन हो केबल और पाथ रेजिस्टेंस के कारण, डिस्टॉर्शन हो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के कारण, ट्रांसमिशन लॉस हो, इन सब के कारण क्या हो सकती है, एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है डेटा में, ठीक है। एरर्स बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होती है सिंगल बिट एरर और एक होती है बस्ट एरर। सिंगल बिट एरर क्या होती है कि एक ही बिट चेंज हुआ है डेटा यूनिट में, केवल एक बिट में चेंज हुआ है तो वो एरर क्या कहलाती है, सिंगल बिट एरर, ठीक है। सिंगल बिट एरर कब हो सकती है, अगर अपन डेटा को पैरेलल ट्रांसमिशन के द्वारा भेजा जा रहा है तो। दूसरी होती है बस्ट एरर, इसमें क्या होता है, मल्टीपल बिट्स आर चेंज्ड इन द बस्ट एरर। बस्ट एरर में कई सारे बिट्स में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ये इंपल्स नॉइस के कारण होती है बस्ट एरर, ठीक है। अब जैसे सिंगल बिट एरर है, इसमें देखो ये जो ऊपर डेटा है सेंट और डेटा रिसीव, सेंट पे क्या हुआ है, छठी पोजीशन पे वन था और रिसीवर को क्या मिला, जीरो मिला, रिसीवर को क्या प्राप्त हुआ, जीरो हुआ। ये कौन सी एरर हुई, एक बिट में परिवर्तन हुआ है तो कौन सी एरर हुई, सिंगल बिट एरर। ये आपकी कौन सी है, बस्ट एरर। देखो छठे नंबर पे, नौवे नंबर पे, बारहवें नंबर पे, तेरहवें नंबर पर बिट्स क्या हो गए, वन का जीरो हो गया, दूसरे में जीरो का वन हो गया, फिर वन का जीरो हो गया और जीरो का वन हो गया, समझ लो, ठीक है। तो ये जो एरर है मल्टीपल बिट्स की वो क्या कहलाती है, बस्ट एरर। और बस्ट का साइज क्या कहलाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है वो टोटल साइज क्या कहलाता है, बस्ट का। इस डायग्राम में बस्ट एरर का साइज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बिट है इसमें, बस्ट एरर का साइज क्या है, 8 है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एरर डिटेक्शन, ठीक है, मान लो फ्रेम को ट्रांसमिट किया गया ट्रांसमीटर से रिसीवर को, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है कि फ्रेम या तो विदाउट एरर रिसीव होगा या फ्रेम विद एरर रिसीव होगा, ठीक है। एरर डिटेक्शन की मदद से क्या किया जाता है, एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है किसी रिसीव, जैसे ही एरर डिटेक्ट हुई रिसीवर इन्फॉर्म करता है ट्रांसमीटर को कि री ट्रांसमिट करे सेम फ्रेम को दोबारा, ठीक है।
कोई एरर डिटेक्ट हुई तो रिसीवर है सेंडर को इन्फॉर्म करेगा कि उस फ्रेम को रिट्रांसमिट करे, ठीक है। एरर डिटेक्शन कैसे किया जाता है? एरर डिटेक्शन कैन बी मेड पॉसिबल बाय एडिंग रिडंडेंट बिट्स इन द ईच फ्रेम। हर फ्रेम के साथ क्या है, रिडंडेंट बिट्स जोड़े जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है। अब जो फ्रेम में जितने भी बिट्स हैं, डेटा बिट्स प्लस एरर चेक बिट्स, उसकी मदद से रिसीवर कैपेबल होता है ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन द फ्रेम। अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें देखो किस तरह ये काम करता है। डेटा सोर्स है, वो कितने बिट का है, मान लो 4 बिट का आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, उसे इनकोड किया जाता है। उसमें इनकोड करने के बाद क्या किया जाता है, के बिट इन्फॉर्मेशन है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एन बिट इन्फॉर्मेशन में किया जाता है, ठीक है। फिर इसको ट्रांसमिशन चैनल पे ट्रांसमिट किया जाता है, डिकोडर के पास डेटा आता है। डिकोडर क्या करता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन बिट रिसीव्ड ब्लॉक टू वापस किस में कन्वर्ट करता है, के बिट में कन्वर्ट करता है, और वो फिर किसके पास जाता है, आपके रिसीवर के पास जाता है। इस तरह आपका एरर डिटेक्शन और एरर डिटेक्शन का कार्य होता है। ओके, थैंक्स।